प्रकृतिः पञ्चभूतानि ग्रहालोका सुरास्तथा दिशा कालस्य सर्वेषां सदा कुर्वन्तु मंगलम। परमात्मा आप ऐसा डंडा चलाओ इन कपटीकार क्रूर लोगों पर, इनको रातों रात हार्ट अटैक आप दे सकते हो, इनको हार्ट अटैक। हे भगवान, ये तो विचारी जनता है, भोली वाली जनता है, क्योंकि ये जो राजसत्ता अपने डंडे का और अपनी बंदूक का दुरुपयोग कर रही है, हे ईश्वर, यदि आप इनको दंडित नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादती अब असहनीय हो रही है। हम लोग तो जब सरकार बनाएंगे तब इनको हम सुधार पाएंगे, लेकिन अभी तो हे परमात्मा आप तो सर्व समर्थ हैं, आप तो हर समय समर्थ हैं। आप चाहें तो इन अपराधियों को, ये जो देश के अंदर खून खराबा हत्या और शोषण कर रहे हैं, हे ईश्वर, हे परमात्मा, आप इनको अवश्य दंड दीजिए। ओम प्रकृति ही पंचभूतानि ग्रहालोका सुरास्तथा दिशा कालस्य सर्वेषां सदा कुर्वन्तु मंगलम। रत्नाकरा धौतपदां हिमालय क्रीटनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम्। अस्ति उत्तरस्यां दिशदेवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा पूर्वापरोतो निधि बगाह्य स्थितः पृथिव्यायो मानदंडा। भारत माता की जय। मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अपने इन क्रांतिकारी साथियों के साथ जो अपनी अभिव्यक्ति देना चाहता हूँ देश के समस्त सुधी श्रोताओं के समक्ष, सबसे पहले मैं आपके गर्ग जी के जो दर्शक हैं उनके मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ कि आप सब जागरूक लोग इस देश को जगाने में सहयोगी बनेंगे हमारे साथ साथ। मैं परिव्राजक दयाशंकर दास बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मैं सिर में ये कफन पहन के पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि तीन समारत देश को सती संत और सूर, और तीन बिगारत देश को कपटी कायर क्रूर। कपटी कायर क्रूर लोगों का चरित्र सामने स्पष्ट है। एक कहावत है गांव देहात में कि नाई के बाल कटते हैं तो भैया सामने गिरते हैं। आज ये जो इनका आचरण है देश के साथ, समाज के साथ, इस देश के मुख्य जो स्तंभ है किसान और जवानों के साथ, वाह भाई वाह। हम उन तमाम, मैं स्वयं संघ का स्वयं सेवक हूं और मैं स्वयं इस बात से ही प्रभावित विचारधारा से रहा हूं कि ये हमारा राष्ट्रवादी संगठन इस देश के जो मूल नागरिक हैं, जो हमारी मूल संस्कृति है कृषि संस्कृति, ये संगठन उसी को लेकर के अपनी स्वाभिमानी संस्कृति के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो पहल शुरू की थी, आज संगठन हमें अपने उस मौलिक सिद्धांत से बहुत भटका हुआ दिखाई दे रहा है। किसानों के साथ, जवानों के साथ जो उपेक्षा और इनके साथ जो ज्यादती हम देख पा रहे हैं इस देश के अंदर, हम बड़ी ही कठोर शब्दों में निंदा करना चाहते हैं। क्या यह चरित्र है? एक तरफ आप कहते हो कि 150 करोड़, 130 करोड़ मेरा परिवार है, और ये इनको आप खालिस्तानी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी और विदेशी बताते हो। दूसरी तरफ तुम वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को आलापते हो। तीसरी तरफ तुम विश्वनाथ जगन्नाथ की कॉरिडोर बनाते हो। आखिर तुम्हारा चरित्र क्या है? एक तरफ तुम विश्व गुरुत्व की परिकल्पना करते हो, एक तरफ तुम उस तरह के शेख चिल्ली की तरह कहानियां गढ़ते हो। कौन हो भाई तुम लोग? कौन हो? क्या है तुम्हारा असली चेहरा? मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, कपटी कायर क्रूर लोग, इस देश में अब 2 महीने और 2 महीने अपना तांडव कर लो, अपनी बदतमीजी कर लो, कर लो जितना तुम्हें सत्ता का दुरुपयोग करना है। इस देश के ये जांबाज योद्धा हमने खड़े किए हैं, भारतीय जवान किसान पार्टी आ रही है पूरे बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ। आपकी खैर नहीं है कपटी कायर क्रूर लोगों, आपकी खैर नहीं है। आप उस अन्नदाता किसान को जिसके बारे में शास्त्र कहते हैं पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खण्डेषु रत्न संज्ञाम विधीयते, जिस अर्थव्यवस्था को लेकर किसान की भूमिका है देश के अंदर, हमारा चाणक्य का जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, पता है हमारी अर्थव्यवस्था क्या है?
हमारी अर्थव्यवस्था है, हमारे इस राष्ट्र के जितने भी नागरिक हैं 150 करोड़ भारतीयों के स्वस्थ प्रसन्न यशस्वी चरित्र निर्माण में, जीवन निर्माण में, जीवन यात्रा में जो मुख्य सहायक और पोषक स्तंभ है, हमने इसलिए नारा दिया है प्रहरी, ये सीमाओं के प्रहरी किसके बेटे हैं, ये किसान के बेटे हैं, ये किसी धन्ना सेठ के बच्चे नहीं है। प्रहरी पोषक, ये किसान बच्चा है पोषक, पीछे भी बैठे हुए हैं किसान, ये भी सब सेना से आए हैं, किसान के बेटे आज भी खेती करते हैं। प्रहरी पोषक और ज्ञान प्रकाशक, इस देश के विद्वान, जवान, किसान और विद्वान, इस त्रिज्या ने हमेशा समाज को स्वस्थ प्रसन्न यशस्वी चरित्र निर्माण और जीवन यात्रा में अपनी अहम भूमिका निभाई है। हम चाहते हैं कि प्रहरी पोषक ज्ञान प्रकाशक यही राष्ट्र के सच्चे शासक, लेकिन पता नहीं दलालों ने सबको घेर रखा है साहब, सबको घेर रखा है दलालों ने। तो ये जो दलाली का चरित्र है, जो गंदा डीएनए है, इससे सावधान हो जाओ मेरे देशवासियों, क्योंकि जब हमारे क्रांतिकारी इस देश से फरंगियों के साथ संघर्ष कर रहे थे तब भी इस देश के दलाल गद्दार उनको तकलीफ दे रहे थे, क्रांतिकारियों को तकलीफ दे रहे थे। इसी देश के वो बंदूकें चला रहे थे अपने ही देश के क्रांतिवीरों पर, कोई बाहर के नहीं थे। इसलिए स्वार्थी और अज्ञानी लोग, क्योंकि अज्ञान से ही स्वार्थ और अभिमान पैदा होता है और स्वार्थ और अभिमान के कारण ही ये सारी व्यवस्था हिंसा और शोषण पे जो आज विकृत होती जा रही है व्यवस्था, इसको हम ठीक करने के लिए चाहते हैं कि सच्चे धवल चरित्र के लोग, सदाचारी लोग इस देश की संसद में, जहां पर अपराधी बैठे हुए हैं, जहां पर रेपिस्ट मर्डर्स अपराधी माफिया भयंकर दुष्चरित्र लोग बैठे हुए हैं, इस पूर्वजों के बलिदान को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जो बलिदान हुआ है इस देश के संप्रभुता, न्याय, बंधुता, समता और हमारे संविधान के जो 5 सद्भाव हैं, उनकी रक्षा के लिए हम संविधान को हाथ में लेकर के संविधान के आधार पर देश को चलाने के लिए आ रहे हैं सरहद से संसद की तरफ, ये न्यायबोधी योद्धा। हम बताना चाहते हैं आप सबको कि यदि आपने इन दोगले दुष्चरित्र लोगों के भाणगिरी करके इनके गुण गाए, इन पाखंडियों के जो देश को सत्यानाश कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने कायरता का परिचय दिया, पीछे से गोली मारी उस नौजवान को, इकलौता बच्चा था, उसका घर का दीपक बुझ गया है, सोचो ये पाप। हे भगवान, हम तो हे परमात्मा आपसे ही प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, इन कपटी कायर क्रूर लोगों को आपके डंडे में वो ताकत है कि जिसमें कोई आवाज नहीं है, जिस डंडे के ऊपर कोई भारतीय दंड विधान संहिता की कोई धारा नहीं लगती, हे परमात्मा आप ऐसा डंडा चलाओ इन कपटी कायर क्रूर लोगों पर, इनको रातों रात हार्ट अटैक आप दे सकते हो, इनको हार्ट अटैक। हे भगवान, ये तो विचारी जनता है, भोली भाली जनता है, क्योंकि ये जो राजसत्ता अपने डंडे का और अपनी बंदूक का दुरुपयोग कर रही है, हे ईश्वर यदि आप इनको दंडित नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादती अब असहनीय हो रही है। हम लोग तो जब सरकार बनाएंगे तब इनको हम सुधार पाएंगे, लेकिन अभी तो हे परमात्मा आप तो सर्व समर्थ हैं, आप तो हर समय समर्थ हैं, आप चाहें तो इन अपराधियों को, ये जो देश के अंदर खून खराबा, हत्या और शोषण कर रहे हैं, हे ईश्वर, हे परमात्मा आप इनको अवश्य दंड दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं देश के वल्लानियों को स्मृति पटल पर रखते हुए पूरे देश से आह्वान करता हूं कि इस देश के 2024 के चुनाव में यदि इस कपटी कायर क्रूर व्यवस्था को हटाना है तो अभी हमारे पास ना उतना धन है, ना उतना हमारे पास संसाधन है। यदि इस वीडियो को आप देख रहे हैं, मैं अपना संपर्क नंबर भी दे रहा हूं 9005764468, परिव्राजक दया शंकर दास, एक शहीद का भाई। मैं ये अपील करता हूं कि इस वीडियो को इतना फैलाओ लोगों तक, ये करोड़ों लोगों तक जाए देश में, और आप सबसे विनती है कि भारतीय जवान किसान, ये जो राजनीतिक अपराधीकरण का सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए योद्धा आ रहे हैं सरहद से संसद की तरफ, ये इस देश के अंदर जो बिकाऊ मीडिया है, ये जो दलाल मीडिया है, ये जो पेड मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, मीडिया कर्मियों हम ईश्वर से प्रार्थना करते कि तुम्हारे ऊपर भी भगवान का ऐसा डंडा पड़े कि तुम्हारे भी खूब रोड एक्सीडेंट हो और तुम्हारा भी हार्ट अटैक हो, तुम्हारे भी घर में भयंकर संकट आएंगे जिस तरह से तुम लोग इन पापियों को दिखा दिखा करके इनका ग्राफ बना रहे हो, अपराधियों का इतना पाप लगेगा मीडिया कर्मियों, तुम्हें जिंदगी में चैन की सांस लेने का अवसर नहीं मिलेगा।
जीवन भर तुम अशांत रहोगे, तुम्हारे अपराध तुमको काटते रहेंगे, तुमको तुम्हारे अपराध तुमको कोचते रहेंगे अंदर ही अंदर, तुम्हारी आत्मा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। जिस तरह से तुम लोग ये कुकर्म कर रहे हो ना, इन कपटीकार क्रूर लोगों को बढ़ावा दे रहे हो, यही चरित्र होता था मीडिया का। अरे मीडिया माने होता था दर्पण, सत्य का प्रदर्शन करना, सत्य को दिखाना पारदर्शिता के साथ, जो चल रहा है उसको दिखाना देश को। क्या पूरा संसार नहीं कह रहा है कि तुम सब बिक चुके हो? अरे दलालो शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मैं पूरे देश से आह्वान करता हूं कि इस मेनस्ट्रीम मीडिया और ये भ्रष्ट व्यवस्था में बैठे हुए कपटीकार क्रूर लोग, इनको आप अपने 2024 के चुनाव में भारतीय जवान किसान पार्टी के इन योद्धाओं को, इन किसानों को, इन जवानों को जो चुनाव में आ रहे हैं, संसद की तरफ बढ़ रहे हैं, इनको अपना आशीर्वाद देकर के, पूरी ताकत देकर के इनको वहां प्रतिष्ठित करो। हमारी यात्रा है। गुरुजी, कौन सी मीडिया के बारे में आप ये बात बोल रहे हो कि जिनको आप कह रहे हो कि दलाल है, गलत है? कौन सी मीडिया, दो चार नाम दे के बताओ कौन सी मीडिया गलत बता रहे हो? नेशनल मेनस्ट्रीम मीडिया में जितने भी चैनल हैं, जिन लोगों के सामने हम लोगों ने अभी एक दिन जाकर के अपील की थी, अपना एप्लीकेशन दिया वहां जाकर के मीडिया हाउस पे, और जो हमारे सैनिकों ने, हमारे भारतीय जवान किसान पार्टी ने सबको दिया, लेकिन किसी ने इनका कवरेज नहीं किया, क्योंकि ये सत्य की आवाज है। इस देश की पीड़ा को देश के मानस पटल पे लाना चाहते हैं हम लोग। ग्राउंड बहुत सारी नेशनल मीडिया है, किसके बारे में आप बोल रहे हो? जी न्यूज है, जहां पे अपराध हुआ उस लड़की के साथ यौन शोषण किया जिसके कार्यालय में, वो जी न्यूज वाला जिसकी वो लड़की रोती घूम रही है, वो एक उसकी एंकर है ना, वो सिद्दकी नाम की लड़की रो रो के कह रही है, ऐसे इन कुकर्मी जी नीच मीडिया जैसे नीच कुकर्मी मीडिया को हम कहना चाहते हैं कि दुष्टो ईश्वर के डंडे से नहीं बचोगे। कितने दिन तुमको बरहस्त देगी ये सरकार, एक दिन तुम्हारे ऊपर ऐसा वज्रपात होगा कि तुमको महाराज अपने कुकर्मों का एक एक हिसाब मिलेगा। हम ऐसे ही कुकर्मी जी न्यूज जैसे अनेक मीडिया कर्मी जो दलाली कर रहे हैं, जो बिके हुए हैं, जिन्होंने अपना धर्म बेच दिया है, अपना कर्तव्य से जो पतित हो गए हैं, उन सबके लिए हम कहना चाहते हैं वो अपने अपने गिरीवान में झांक लें। जो कुकर्मी होता है उसे पता होता है अपने अपराध का, इसलिए हम बताना चाहते हैं, हम अपील करना चाहते हैं देशवासियों से कि 2024 में ये सीधे सच्चे सरल किसान मजदूर के बेटे आ रहे हैं इस देश की व्यवस्था बदलने के लिए। व्यवस्था परिवर्तन हमारा लक्ष्य है। हम चाहते हैं कि हमारा समाज स्वस्थ, प्रसन्न, यशस्वी बने। जिस प्रकार से षड्यंत्रकारियों ने आपके स्वास्थ्य के साथ, पर्यावरण के साथ, संपूर्ण संपदा के साथ जो खिलवाड़ कर रखा है, जो अपराध किया जा रहा है मिली भगत के साथ, ओहो ये तो भयंकर अक्षम अपराध है भाई। इसलिए हम अपील करते हैं बार बार देश की जागरूक जनता से कि मांस मदरा दारू दप्पा में मत बिक जाना, 1000-2000 के नोटों में मत बिक जाना। अगर इस देश को अपनी पीढ़ियों के लिए आप अच्छा सौंपना चाहते हो तो सच्चे सपूतों को इस देश की सरहद से जो आ रहे हैं संसद की तरफ, उन्हें आशीर्वाद देकर के प्रतिष्ठित करो। इस देश में स्वस्थ, प्रसन्न, यशस्वी राष्ट्र की जो एक परिकल्पना है उसको आप साकार करने में आपका बड़ा योगदान हो सकता है यदि आप लोग वास्तव में जिंदा हैं तो। और यदि आपकी आत्मा मर गई है, आपने अपना जमीर बेच दिया है, आपको इस देश का अपराधीकरण करना है, इस देश को वापस गुलाम करना है, तो ठीक है, आप इन्हीं राक्षसों के चरण धूलि माथे पर लगाते रहो और इन्हीं पाखंडियों को ढोते रहो। पीढ़ियों के सामने जो संकट आ गया है वो संकट बहुत भयानक है, इसलिए जागो, जागो देशवासियों, जागो। ये राजनीति कोई फूलों की सेज नहीं है, जिसको वास्तव में राजनीतिक उत्तरदायित्व का बोध है, ये महान कठिन कार्य है। जैसे घर में मां होती है ना, मां सबसे पीछे खाती है, सबसे पीछे सोती है, ऐसा ही गुण, कर्म और स्वभाव नेतृत्व का होना चाहिए। इसलिए भैया नेतृत्व कोई अय्याशी का अड्डा नहीं है, वो तो महान कर्मयोगियों का, महान योग्यतम लोगों का वहां पर पदार्पण होना चाहिए, जहां भयंकर से भयंकर अयोग्य और मूर्ख भरे पड़े हैं। इसलिए उनको खदेड़ने के लिए जनता जिम्मेदार है। हम जनता से अपील करते हैं कि हे जनता जनार्दन, आपको यदि न्याय बोध है तो आप पहचानो कि सही कौन है और गलत कौन है। इन्हीं शब्दों के साथ हम निवेदन फिर करते हैं कि भारतीय जवान किसान पार्टी को बहुमत दे करके उनको प्रतिष्ठा दो वहां पर लोकसभा में, और फिर देखो इस देश की व्यवस्था 5 साल में यूं ठीक होती कि नहीं होती। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम।